भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा तथा बाबा भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदा बना रहे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। इस बार रक्षाबंधन का महापर्व 3 अगस्त 2020 सोमवार को है। श्रावण सोमवार के दिन इस बार रक्षाबंधन का जो महासंयोग बन रहा है उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और इस दिन आयुष्मान योग भी है तथा बाबा भोलेनाथ के साथ साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की अद्भुत और दिव्य कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि राखी पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का भी विशेष दिन माना जाता है। इसलिए यदि आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहती है तो आपको शुभ मुहूर्त में राखी बांधना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन का जो कर्म है वो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। धर्म ग्रंथों पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यदि आप राखी बांधना चाहते हैं तो आपको शुभ मुहूर्त में राखी बांधना चाहिए। इस बार रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार रहेगा। पूर्णिमा तिथि में राखी बांधना चाहिए, इसलिए श्रावण की पूर्णिमा तिथि 2 अगस्त की रात को 9:30 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 3 अगस्त की रात्रि 9:27 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसी प्रकार भद्रा का जो समय रहेगा, भद्रा काल जिसे अशुभ समय माना जाता है और रक्षाबंधन में विशेष रूप से भद्रा का ध्यान दिया जाता है और इस दिन भद्रा को त्याग करके अन्य समय में राखी बांधना चाहिए, तो भद्रा का जो समय रहेगा 2 अगस्त की रात्रि को 9:41 से भद्रा प्रारंभ होगी, जो कि 3 अगस्त को सुबह 9:24 तक भद्रा रहेगी। यानी भद्रा काल में आपको राखी नहीं बांधना है। और इसी तरह राहु काल जो कि सुबह 3 अगस्त की 7:30 से शुरू होकर के 9:00 तक रहेगा, 9:24 पर भद्रा भी समाप्त हो जाएगी तथा 9:00 राहु काल भी समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला जो मुहूर्त रहेगा राखी बांधने का वो रहेगा सुबह 9:24 से लेकर के सुबह 10:30 तक का। उसके बाद दूसरा समय रहेगा जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। प्रत्येक दिन मध्यान्ह काल में अभिजीत मुहूर्त रहेगा, तो अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो 2:11:32 से लेकर के 2:12:20 तक रहेगा। उसके बाद तीसरा और अगला मुहूर्त रहेगा 2:01:30 से लेकर के शाम को 6:00 तक। उसके बाद अगला प्रदोष काल का और शाम का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 6:00 से लेकर के 7:30 तक का। ये समय गोधूली वेला का समय भी माना जाता है और अधिकतम परिवारों में, अधिकतम घरों में शाम के समय ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो यदि आप प्रदोषकालीन वेला में तथा गोधूली वेला में रक्षाबंधन करना चाहते हैं तो शाम को 6:00 से लेकर के 7:30 का समय सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद रात्रि में 10:30 से लेकर के 12:00 तक भी मुहूर्त रहेगा, लेकिन इस दौरान पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी, क्योंकि उदय व्यापिनी यानी सूर्योदय में पूर्णिमा है, अतः पूरे दिन और रात्रि में पूर्णिमा तिथि मानी जाएगी। तो आप चाहें तो रात्रि में 10:30 से 12:00 तक भी राखी बांध सकते हैं। वैसे तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि के दिन ही मनाया जाता है, लेकिन कई भाई अपनी बहन के पास इस दिन राखी बंधवाने नहीं आ पाते हैं, इसलिए वो जन्माष्टमी तक कभी भी राखी बंधवा सकते हैं। यानी 3 अगस्त 2020 से लेकर के 12 अगस्त 2020 जन्माष्टमी तक भी आप राखी बंधवा सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही यदि आप अपने भाई को राखी बांधती है तो सबसे पहले उनको एक सुंदर आसन पर, चौकी पर बैठा दे। उनका मुंह पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए तथा बहन का मुंह भी इसी तरह शुभ दिशा में, पूर्व या उत्तर में ही रखना चाहिए। और इसके बाद सबसे पहले अपने भाई के मस्तक पर रुमाल ढाक देना चाहिए या उनको टोपी पिराना चाहिए।
और उसके पश्चात आपको लाल रंग का कुमकुम या रोली का तिलक अपने भाई के मस्तक पर लगाना चाहिए। यदि आपसे छोटा भाई है तो आप अंगूठे से तिलक लगाइएगा, और यदि बड़ा भाई है तो उनको इस अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए, तथा उसके बाद आपको उनके मस्तक पर चावल यानी अक्षत लगाना है। जो अक्षत आप लगाएं वो टूटे फूटे या खंडित नहीं होना चाहिए, शुभ अक्षत ही इसमें उपयोग करना चाहिए। उसके पश्चात अपने भाई के सीधे हाथ की कलाई पर आपको राखी बांधना है, और जो राखी आप बांधे उसमें 5 गठाने आपको लगाना चाहिए, तथा इसके पश्चात अपने भाई को मिठाई खिलाए। मिठाई के रूप में मावे की मिठाई या फिर गुड़ की मिठाई, शक्कर की मिठाई या फिर मिश्री या फिर शहद या अन्य कोई भी मीठी वस्तु आप अपने भाई को राखी बांधने के बाद अनिवार्य रूप से खिलाए। उसके बाद अपने भाई की आरती उतारे, एक दीपक थाली में रखे आरती उतारे, और आरती उतारने के बाद अपने भाई के दोनों तरफ जल आपको छिड़कना चाहिए। और जब आप राखी बांधते हैं तो अपने भाई के हाथ में एक नारियल गीला पानी वाला अनिवार्य रूप से रखना चाहिए, क्योंकि नारियल सुख शांति समृद्धि का प्रतीक होता है, तथा इसके साथ कुछ द्रव्य दक्षिणा भी उपहार स्वरूप अपने भाई को आपको देना चाहिए, या एक सिक्का भी आप रख सकते हैं। उसके बाद जब रक्षाबंधन का यह कर्म चल रहा है उस समय आपको मंत्रोच्चार भी करना चाहिए। राखी बांधने का जो श्रेष्ठ मंत्र हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में बताया है वह इस प्रकार है, येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा चल बाचल। इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए राखी बांधना चाहिए। यह मंत्र भाई बहन दोनों को बोलना चाहिए, और राखी बांधने के बाद भाई को चाहिए कि अपने बहन के चरणों का स्पर्श करे, उन्हें प्रणाम करे, तथा उपहार स्वरूप कुछ न कुछ उन्हें अवश्य दे, रुपये पैसे दान दक्षिणा जो भी सामर्थ्य हो वह उनको प्रदान करे। यदि कुछ नहीं दे सकते हैं तो आप जो है उनको फल का दान करें, वस्त्र का दान करें, वाहन का दान कर सकते हैं, आभूषण का दान कर सकते हैं, या जो भी बहन की प्रिय वस्तु है वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। अपनी बहन को कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य या हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ अनिवार्य रूप से देना चाहिए, तथा ध्यान रखना चाहिए कि भाई बहन एक दूसरे को इस दिन खटाई बिल्कुल न खिलाएं, अन्यथा उनके रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन आपको चाहिए कि आप इस दिन जो है स्वयं भी खटाई का सेवन न करें, और अपने हाथों से अपनी भाई या बहन को भी खटाई बिल्कुल न खिलाएं, तथा रक्षाबंधन के दिन शेविंग और दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, तथा रक्षाबंधन के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एक समय भोजन इस दिन करना चाहिए, और जो भोजन आप करें वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। उसमें मांसाहार या अंडे का उपयोग नहीं करना चाहिए, तथा उसमें लहसुन प्याज का भी उपयोग वर्जित माना जाता है। और जो भोजन आप तैयार करते हैं वो सबसे पहले भगवान को नैवेद्यम के रूप में भोग लगाएं, उसके बाद ही आप स्वयं ग्रहण करें। जो मिठाई भाई को आप देने जा रही है उसका भी भोग भगवान को पहले लगाना चाहिए, उसके बाद ही उसको रक्षाबंधन में प्रयोग करना चाहिए। इस तरह आपको अपने भाई के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए रक्षाबंधन के इस त्योहार को मनाना चाहिए, तथा रक्षाबंधन के दिन अपने नाखून नहीं काटना चाहिए, और रक्षाबंधन के दिन आपको किसी भी पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। गरीबों और जरूरतमंद लोगों को कष्ट इस दिन बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अपने सास ससुर का भी अपमान इस दिन नहीं करना चाहिए, तथा बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार और उनकी सेवा इस दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और रक्षाबंधन के दिन पूरे परिवार को प्रेम पूर्वक और सौहार्द का वातावरण निर्मित करके रखना चाहिए, यानी घर के सदस्यों को आपस में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद रक्षाबंधन के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता महालक्ष्मी और भगवान लक्ष्मी नारायण का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन को पूरे प्रसन्नता के साथ में व्यतीत करना चाहिए। और इस बार श्रावण सोमवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए किसी भी भाई या बहन को इस दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, तथा इस दिन बिल्व पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, और पेड़ पौधों को भी इस दिन नहीं काटना चाहिए।
इस दिन गरीबों को दान पुण्य करना तथा मंदिरों में दान पुण्य करना बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है। इसके अलावा रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह बड़ा त्योहार माना जाता है, इसलिए इस दिन शास्त्रों की निंदा नहीं करना चाहिए, भगवान की बुराई नहीं करना चाहिए तथा ब्राह्मणों की साधु संतों की भी बुराई इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इनका अपमान भी आपको नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है वह भाई बहन का त्योहार होता है। यदि किसी भाई की बहन नहीं है तो वो देवी देवताओं को राखी स्पर्श करवा करके वह राखी अपने हाथ से स्वयं बांध सकते हैं, और यदि किसी बहन के भाई नहीं है और वो राखी बांधने उनको नहीं जा सकती है या उनके भाई उनके पास नहीं आ सकते हैं तो वो देवताओं को भी अपना भाई मान सकती है और उनके हाथ राखी बांध सकती है, यानी देवी देवताओं को भी आप भाई या बहन बना सकते हैं। आप किसी भी देवता को राखी बांध करके उनको भाई बहन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि जब आप अपने भाई को राखी बांधे तो उसके पहले भगवान को राखी चढ़ा करके और उनका पूजन करना चाहिए। अपने इष्ट देव को राखी चढ़ाना चाहिए। श्रावण सोमवार का दिन है तो आपको शिव परिवार को भी राखी चढ़ा करके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। यह कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें भद्रा का कोई दोष नहीं देखा जाता है और भद्रा का दोष केवल अपने भाई को राखी बांधते समय ही देखा जाना अनिवार्य रहेगा। तो आप सबसे पहले भगवान गणेश जी को राखी चढ़ाएं तथा भगवान कार्तिक स्वामी को राखी बांधे और माता गौरी जी को राखी बांधे, नागराज जी को, नंदीगण को, भोले बाबा को और आप जिनको इष्ट देवता गुरु मानते हैं उनको भी राखी चढ़ाएं तथा अपने पितरों के निमित्त भी आपको राखी इस दिन चढ़ाना चाहिए। इसके बाद ही आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे तो आपके लिए रक्षाबंधन का त्योहार अति उत्तम रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।